प्यारे बच्चों, आज आप सबको घटाव विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका बताया जाएगा। तो घटाव विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के पहले आप जान जाएं, आप पहले जानते होंगे कि एक संख्या होती है सम संख्या और विषम संख्या। यानी कि सम संख्या किसको कहते थे? जो संख्या कितनी लंबी हो, अगर दो से विभाजित हो जाए तो संख्या जो होती थी वह सम संख्या होती थी, और बाकी जो बच गया 1, 3, 5 इस तरह की जो संख्या होती थी उसको हम लोग कहते थे विषम संख्या। तो सबसे पहले घटाव विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि विषम संख्या के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे 1, 3, 5, उसको क्या करना है सबसे पहले, जैसे मान लें कि हम एक संख्या ले लेते हैं 144। 144 इसका घटाव विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 144 में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना आपका एक के बाद अल्टरनेट आने के, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से जो है आपको प्रत्येक बार जो है वह क्या करना है, घटाते जाना है और घटाते जाना है, और अंत में आपका देखना है कि अंत में जो संख्या आती है वो आपका 0 आना चाहिए। अगर आपका 0 आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका सही है, अन्यथा आपका गलत है। तो सबसे पहले चलते हैं एक से लेते हैं। तो एक अगर 144 में एक घट जाएगा तो अब आपका बच जाएगा 143। पुनः 143 को यहाँ ले आवे, पुनः क्या करेंगे, एक के बाद आपका 3 ये घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 140। पुनः 140 को यहाँ ले आएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे, अगर तब बच जाएगा आपका 135। पुनः 135 को यहाँ ले आएंगे, 135 में आपका अब 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 15 में 7 गया 8, और 3 यानी कि 2 और 1, 128 हो गया। पुनः 128 को यहाँ ले आएंगे, 128 में 7 के बाद आपका विषम संख्या 9 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 9 गया 9, 119 के लगभग। पुनः 119 को यहाँ ले आएंगे, इसमें से अगर 9 के बाद विषम संख्या आपका 11 है, 1 घटाएंगे, 9 में 1 गया 1, 1 में 1 गया 0, 9 में 1 गया, सॉरी 9 में 1 गया 8, 1 में गया 0 और 1, 108। अब 108 को पुनः यहाँ ले आएंगे, माइनस आपका 11 के बाद 13 हो जाएगा। अब 8 में 3 गया 5, 10 में 1 गया 9, 95 हो जाएगा। पुनः यहाँ 95 यहाँ ले आएंगे, 95 13 के बाद हो जाएगा आपका विषम संख्या 15, 5 में 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 9 में 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। पुनः यहाँ 80 हो गया, 80 में अब 15 के बाद 17 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 बच जाएगा, ये आपका हो गया 7 में 1 गया 6 बच जाएगा। पुनः 63 को यहाँ ले आएंगे, अगर 17 के बाद 19 घटाएंगे, 13 में 9 गया 10, 11, 12, 13, 4 हो जाएगा, फिर 5 में 1 गया 4 बच जाएगा। पुनः 44 को हम यहाँ फिर ले आएंगे, तो 44 में 19 के बाद विषम संख्या आपका 21 हो जाता है, 21 ले आएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 में 1 गया 3, 4 में 2 गया 2। पुनः 21 को 23 को यहाँ ले आएंगे, 23 में पुनः 23 को घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 0। अब देखिए, ये आपका 0 अंतिम में अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि आपका वर्गमूल जो है सो घटाव विधि का जो वर्गमूल है वो आपका सही है। अगर इसमें से कुछ अगर दूसरा अंक आ जाता है 0 के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी अगर अंक आ जाता है तो समझ लीजिए ये आपका जो है सो गलत है। अब हमको ये देखना है कि आखिर में 144 का वर्गमूल होता कितना है। तो सबसे पहले क्या करें, आप इधर से चलें, यहां से काउंटिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि आपका 12 बार में जो है आपका ये 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि 144 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा, 12। 144 का वर्गमूल 12 होगा। तो इस तरह से आप अगर चाहते हैं तो पूरी तरह तरह से और अधिक घर में बैठ करके 1, 2, 4, 10 जो है सो बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हम दे देते हैं एग्जाम्पल में, आखिर में आप जो है सो होमवर्क घर में बना करके दिखा सकते हैं और या तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। जैसे 121 81
169, 625 और 15 15 225 225। कम से कम इतना जो है सो आप बना करके जो है सो इस तरह से आप भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप से व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए, आगे आपको दो सच्चे बताया जाएगा। धन्यवाद।